Hello everyone, how are you? Welcome to my channel. I hope you are all right. आशा करता हूँ मुझे आप लोग भी अच्छे हैं। आज छठ मैया का पूजा है। इस छठ मैया के लिए जो त्यौहार होता है, ये त्यौहार सब मिलकर ये पानागढ़ कौलपुर में इसका छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। आप लोग को आज का दिन सबको शुभकामना देता हूँ और मेरा सर रही है और चलिए छठ मैया का पूजा देखते हैं। पूजा में क्या होता है, मतलब पहले से क्या होता है, कुछ उपवास करना पड़ता है? हाँ, उपवास करते हैं। तीन दिन का निर्जल व्रत होता है। अच्छा, आप लोगों के घर में कोई किया है? हाँ, मेरी माँ की है। मेरी माँ की है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और कौन, और कौन किया है? और हमारे बगल में दादी रहते, तो दादी वो लोग भी किए हैं। अच्छा अच्छा, जैसे ये छठ हमारा महापर्व, हम बिहारियों का, हमें कब से पर्व हम लोग मनाते हैं, हमें अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट पर्व यही है। ठीक है, थैंक यू सब। ये मेरा सब सब्सक्राइबर है, ये छोटा छोटा देखे, छोटा छोटा भाई है मेरा, सब सब्सक्राइबर। हेलो, चलो, हाँ हेलो, सब हेलो करो। आज के इस अवसर पर कुछ बोल दीजिए। जय छठी मैया। कहाँ से आप लोग? पानागढ़ से? नहीं, हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से, ओके, थैंक यू, थैंक यू। पूजा है, इस अवसर पर क्या मैसेज देना चाहते हैं? और महापर्व में सद्भावना का त्यौहार है, तरह तरह से बहुत आस्था का पर्व प्रदान किया है। इसमें इस पर्व में उगता हुआ सूरज को भी पूजा किया है, मकर पास उगता हुआ तो सब करते हैं, डूबता हुआ को भी किया है। धन्यवाद देते हैं हम कवाड़ी पत्ती के लिए, तमाम पुस्तकालय और साहस मिली है, सांस्कृतिक के तरफ से ये पूरा आयोजन किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है और हमारा वॉलंटियर्स भी है। हम वीडियो मैडम से करते हैं और सिक्योरिटी का मैडम को भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन सुरक्षा ने मेरा ख्याल रखा। थैंक यू दिलीप भाई। आज दिलीप का अवसर, आज छठ मैया का पूजा का अवसर पर क्या मैसेज दिए आप लोग सबसे? बढ़िया से उत्सव मनाइए, पर्व मनाइए। पूजा है, ये पूजा का अवसर पर आज क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कहना चाहिए? ये पूजा सबका है, ये छठ मैया का उत्सव है, सभी को है, सब कोई आता है, सब मिलजुल कर ये पूजा करते हैं, तो इस पूजा के अवसर पर आप क्या मैसेज दीजिए? मैं तो लोगों को बोलूंगा, जितने भी पर्व है हमारे देश में, हम लोगों को सबको मनाना चाहिए इतने उल्लास से। उसी तरह छठ पर्व भी सभी उल्लास से मनाते हैं और ये बड़ा शांति का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है। और सभी हमारे पानागढ़ में तो जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब के सब भाई इसमें सहयोग करते हैं और खड़े रहते हैं। मेरे को बहुत खुशी होता है इस पर्व में,
प्रशासनिक भी बड़ा हेल्प मिला इस बार आरपीएफ की तरफ से, जीआरपी की तरफ से और हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत हेल्प मिला। 50 सालों के बाद पहली बार इतनी अच्छे से हम लोग उत्सव मना रहे हैं। ठीक, थैंक यू भाई और थैंक यू कविंद्र जी, रविंद्र अग्रवाल आपसे बात की। ठीक है, थैंक यू। बोलो आज के अवसर पर कुछ बोलिए। आज क्या, आज जैसे छठ मैया का पूजा है, ये पूजा का अवसर पर क्या बोलना चाहते हो तो बोलो। तुम जानते हो ये क्या क्या कैसे किया जाता है कि छठ मैया का पूजा कैसे किया जाता है? कुछ पता नहीं है? अरे कुछ तो पता है, कैसे उपवास करना पड़ता है, है? पता नहीं उपवास करना पड़ता है, उसके बाद छठ मैया कैसे कुछ किया जाता है, उसके बाद आज का पूजा दिन होता है, आज होता है और कल आज का सुबह है। तो सुबह कितना बजे होता है? 4 बजे, ऐसा भी होता है। भीड़ में पूरा भरा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं और छठ पूजा अभिनंदन शुभकामना। हवाई एंजॉय करो, एंजॉय एंजॉय। Happy, thank you, thank you, thank you। सबसे पर है छोटा भाई है, छोटा बच्चा है और फिर क्या होता है जो आज के ये छठ पूजा के अवसर पर, छठ मैया पूजा का अवसर पर जो पूजा होता है, पूजा के बारे में क्या मैसेज देना चाहते, क्या बोलना चाहते हो? छठ पूजा है जो हम बिहारियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसमें हम लोग सूर्य देव का पूजा करते हैं बस। और ही सबको मेरा तरफ से छठ पूजा, छठ पूजा आज के सबको शुभकामना देते हो। हाँ। आज शुभकामना है। हाँ। पूजा ठीक है, पूजा किसी का होगा, सबका उत्सव में ये शामिल होता है। हाँ। हर कोई आता है इस उत्सव में और ये एकजुट होकर ये पूजा को, ये तलाव जो पूजा होता है, सब कोई सामान लेता है, सबको उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है कि नहीं? और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सबको, थैंक यू है, सबको थैंक यू देते हैं, सब थैंक यू। अभी पूजा खत्म, पूजा खत्म हो के जा रहे है ना, फिर सुबह सुबह, फिर सुबह। अरे हाँ।